बात है 30 दिसंबर 2023 की। मैंने एक वीडियो अपलोड किया बाय द टॉपिक ऑफ गेमिंग वीडियो एडिटिंग हैक्स पार्ट 1 एंड लिटरली वो वाला वीडियो काफी वायरल गई जस्ट बिकॉज कि उस वीडियो में मैंने एडिटिंग के वो सारे पॉइंट कवर किया था जो एक गेमिंग क्रिएटर के लिए काफी ज्यादा जरूरी थी। बट स्टिल काफी चीजें उस वीडियो में कवर नहीं कर पाया था एंड उसके वजह से तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन का सिस्टम ही फाड़ दिया पार्ट 2 के लिए। सो या दिस इज द पार्ट 2 एंड इस वीडियो में हम एक नूब गेम प्ले वीडियो को एडिट करके एक लेजेंडरी गेम प्ले में कन्वर्ट करने वाले हैं। फर्क नहीं पड़ता तुम फ्री फायर, पबजी, माइनक्राफ्ट या कोई भी गेम खेलते हो। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गेम प्ले को रिकॉर्ड करना पड़ता है, जो कि प्रोसेस मैंने पार्ट 1 वीडियो में बता दिया था। जब गेम प्ले रिकॉर्ड कर लो तो उस वीडियो को कैपकट के अंदर लेके आना है। अब नीचे से स्क्रॉल करके एस्पेक्ट रेशियो पे जाऊंगा एंड 16:9 पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। अब इस वीडियो पे क्लिक करके सिंपली इसको स्क्रीन पे फीड कर लेना है। अब इतना कर लो तो इन वीडियो में से बोरिंग पार्ट को रिमूव करना है और इंटरेस्टिंग पार्ट को रखना है। वो ए वाला काम मैं फटाफट से कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो इस वीडियो में से मैंने फालतू का पार्ट को डिलीट कर दिया है। अब यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होने वाला है। तो गेम प्ले दिखाने से पहले हमें इंट्रो तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि इंट्रो वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सो फॉर दैट हमें कुछ ऐसा क्लिप ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे तगड़ा फाइट हुआ हो। अगर तुम्हारे केस में ऐसा कुछ सीन नहीं है तो भी काम चल जाएगा। लेट मी शो यू हाउ। जैसे तुम इस क्लिप को देखो, यहाँ पे मैं जैसे रन करके गया और एनिमी के ऊपर जस्ट फायर कर रहा हूँ, लेकिन एनिमी नहीं मर रहा है। तो इस क्लिप को यूज करके एक बढ़िया सा इंट्रो बना सकता हूँ। तो सिंपली यहाँ से मैं थोड़ा बैक करता हूँ जहाँ पे फाइट स्टार्ट नहीं हुआ था, तो इस सीन तक आएंगे और उसके बाद मैं वीडियो पे क्लिक करूंगा और नीचे से स्प्लिट पे क्लिक कर देता हूँ और फिर आगे की तरफ आके जहाँ पे मैं ग्लूवॉल फेंका हूँ, यानी कि यहाँ पे भी एक स्प्लिट लगा लेंगे। अब तुम देखोगे तो ए वाला पार्ट अलग हो गया और इसी पार्ट को हमें डुप्लीकेट भी करना है। तो इस पे क्लिक करता हूँ और नीचे से स्क्रॉल करके आगे की तरफ जाऊंगा तो मुझे दिख गया डुप्लीकेट, तो उस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास दो सेम क्लिप हो चुकी है, तो एक क्लिप को ड्रैग करके इसको स्टार्टिंग में लेके आऊंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके आना है। एंड इतना करने के बाद यहाँ पे अब पिक्सेल ऐप की जरूरत पड़ेगी, तो मैं पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेता हूँ। पिक्सेल ऐप को ओपन करने के बाद ये सारा चीज डिलीट कर देना और 3 डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज पे जाना और यहाँ से यूट्यूब थंबनेल साइज को लेके ओके कर देना है। फिर नीचे से 4th वाले आइकन पे क्लिक करके कलर में जाना है एंड अगेन कलर में जाऊंगा एंड यहाँ से मैं ब्लैक कलर को लेके सिंपली इसको सेव कर लेना है। इतना होने के बाद बैक टू द कैप कट एंड यहाँ पे सिंपली प्लस पे क्लिक करना है और जो रिसेंटली मैंने बैकग्राउंड सेव किया था उसको ऐड कर लूंगा। एंड इस तरीके से हमारा ऐड हो चुका है एंड यहाँ पे एक ऑडियो ऐड करने वाले हैं, तो सिंपली ऑडियो पे क्लिक करता हूँ एंड अगेन साउंड पे क्लिक करूंगा और यहाँ फाइल पे क्लिक करके डिवाइस पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक ऑडियो सर्च कर लेता हूँ। ये वाला ऑडियो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। ऑडियो को ऐड करने के बाद नीचे साइड में तुम्हें फेड ऑप्शन दिखेगी, सो उस पर क्लिक करना एंड जो फेड आउट वाला सेक्शन है इसको 1 सेकंड तक कर देता हूँ एंड देन इसको ओके करना है। अब एक बार मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करनी पड़ेगी, तो जो क्लिप है ना वो थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। तो जैसे ग्लूवॉल डाला है वहां तक इसको लेके आएंगे एंड इसको भी सेट कर लेता हूँ एंड अभी प्ले करके देख लेते हैं। ये तो काफी सही हो गया है, बट जो ब्लैक पार्ट है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो इसको भी हम थोड़ा पीछे खींच लेते हैं। लाइक इतना सही है। ओके, तो अब यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे मैंने 2 स्प्लिट लगाया था और वहीं पे 2 लाइन बन गई है, तो सिंपली उस पे टैप करना है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन का पूरी कलेक्शन ओपन हो जाती है। तो सिंपली यहाँ से ड्रैग करके तुम्हें एक ट्रांजेक्शन लगाना है ब्लैक फेड वाला, तो इस पे क्लिक करता हूँ एंड देन तुम्हें अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना है एंड इसको ओके करता हूँ। अब यहाँ पे हमारा एक बहुत ही तगड़ा इंट्रो तैयार हो गई है, बस इसमें अब म्यूजिक ऐड करना है, तो म्यूजिक भी ऐड कर देता हूँ। और हाँ, म्यूजिक भी सस्पेंस वाला यूज करना, तो मैं ये वाला म्यूजिक ऐड कर रहा हूँ। अब इस म्यूजिक को थोड़ा सा एडजस्ट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आके मैं स्प्लिट कर देता हूँ एंड देन इसको ड्रैग करके स्टार्टिंग में लेके आऊंगा। एंड इतना करने के बाद ये जो ब्लैक पार्ट जैसे खत्म हो रहा है, इस म्यूजिक को भी खत्म करना है, तो स्प्लिट कर देता हूँ एंड जो बाकी के फालतू पार्ट है उसको डिलीट कर देता हूँ। अब इस म्यूजिक के साथ भी वही करना है, तो सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ एंड फेड में जाऊंगा और जो फेड आउट वाला सेक्शन है इसको 1 सेकंड पे सेट कर देता हूँ।
अब इसका वैल्यूम वगैरह देखना चाहो तो देख सकते हो। तो लाइक इसको मैं 60 पे कर देता हूँ एंड अभी कुछ फाइनल ऐसा बन जाएगा। अरे दादा रे, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। ओके, तो यहाँ पे मैं इंट्रो का काम फिनिश कर दिया हूँ। अब आगे की तरफ आऊंगा और यहाँ पे अपने गेम प्ले के अकॉर्डिंग हमें एडिट करना है। तो जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे मैं शूट करके ग्लोल डाला हूँ, तो चाहूँ तो यहाँ पे मैं साउंड इफेक्ट ऐड कर सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए मैं इसको स्कीप करता हूँ बिकॉज यहाँ पे मैं नॉक हुआ हूँ, तो नॉक इफेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे कि तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पे मैं नॉक हुआ हूँ, तो ये नॉक होने से पहले हमें स्प्लिट लगाना है। तो यहाँ पे मैं एक स्प्लिट लगा लेता हूँ एंड देन आगे 4 सेकेंड तक जाके एंड फिर यहाँ पे भी स्प्लिट कर देता हूँ। अब जो ए वाला पार्ट है यहाँ पे इफेक्ट क्रिएट करना है, तो स्टार्टिंग में आऊंगा सिंपली इस पे क्लिक करके एंड देन यहाँ से बैक करता हूँ एंड ओवरले पे क्लिक करके एक रैन वाला ओवरले लेके आऊंगा। और मैं जितने भी मटेरियल यूज कर रहा हूँ वो सारा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब इसको मैं थोड़ा फुल स्क्रीन पे सेट कर लेता हूँ एंड देन इसमें रैन वाला साउंड इफेक्ट है तो वो नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे वैल्यूम में जाऊंगा और इसको पूरा 0 कर देता हूँ। अब इतना कर लो तो यहाँ से ड्रैग करके मास्क के अंदर जाना है और यहाँ से सर्कल शेप को ले लेना है। आफ्टर दिस यहाँ इन्वर्ट दिख रही होगी तो उस पर क्लिक करना है एंड इसको कुछ इस तरीके से शेप बना लेता हूँ, ये अपने अकॉर्डिंग कर लेना। एंड अब यहाँ पे तुम्हें एरो दिख रही होगी तो उसको थोड़ा नीचे करना कुछ इस तरीके से, तो एक बढ़िया सा शेडो क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ से मैं डन करूँगा एंड फिर स्टार्टिंग में आता हूँ और स्प्लाइस पे जाऊँगा और जो ओपेसिटी है इसको थोड़ा डाउन कर देता हूँ, लाइक इसको 90 पे कर लेते हैं एंड इसको ओके करूंगा और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इतना होने के बाद यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट ऐड करूंगा, तो यहाँ से मैं बैक करता हूँ एंड पहले तो स्टार्टिंग में आ जाते हैं एंड देन बैक करूंगा और ऑडियो पे जाके साउंड पे जाऊंगा, फाइल डिवाइस पे जाके यहाँ पे एक डिसअपॉइंटेड करके एक साउंड इफेक्ट है उसको ऐड करूंगा। ओके, तो यहाँ पे ए वाला क्लिप रेडी हो गया है, एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ। अब तुम चाहो तो इस क्लिप को ब्लैक एंड व्हाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक इस पे क्लिक करके इधर से स्क्रॉल करके एडजस्ट में जाना है एंड सैचुरेशन पे क्लिक करके इसको -50 पे कर देना है, तो अभी कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, सो ए वाला क्लिप एडिट हो चुका है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एक और स्प्लिट है और उसके साथ साथ मैंने एक ट्रांजिशन भी ऐड कर दिया था पहले ही, तो अगेन थोड़ा आगे करता हूँ। बेसिकली हमें क्लिप को देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें एडिट करना है, सिंपल। आगे बढ़ेंगे एंड यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कोई एडिटिंग की जरूरत है, बट तुम चाहो तो मीम वगैरह ऐड कर सकते हो, आगे मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरीके से ऐड करना है। ओके, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक फनी साउंड इफेक्ट फिट बैठेगा, तो मैं फटाफट से लेके आ जाता हूँ। ए वाला साउंड इफेक्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं एंड अभी प्ले करके देखता हूँ। ओके, परफेक्ट। अब इस राउंड में मेरे साथ क्या हुआ कि एनमी एकदम लास्ट में मिलता है, तब तक मैं बहुत खोजे जा रहा था, तो ऐसे क्लिप को अगर रखोगे तो लोग बोर हो जाएंगे, तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, स्पीड अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे एक स्प्लिट लगा दूंगा एंड देन जहाँ पे हमें एनमी मिला है वहाँ पे भी स्प्लिट लगाना है, तो मैं आगे करता हूँ एंड जैसे कि यहाँ पे एनमी दिख गया है तो यहाँ पे भी स्प्लिट लगा देता हूँ। अब ये पीछे वाला जो पोर्शन है इसमें हमें स्पीड अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन नीचे से स्पीड वाले ऑप्शन पे जाऊंगा एंड नॉर्मल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपने स्पीड को सेट कर लेना है, अराउंड इसको 6 पे कर लेता हूँ। तो इस क्लिप में मस्त सी स्पीड लग गई है, बट जिस भी क्लिप में तुम स्पीड अप्लाई कर रहे हो तो उसका वैल्यूम को 0 कर लेना, नहीं तो पूरा काम खराब हो जाएगा। तो यहाँ से मैं स्क्रॉल करके वैल्यूम में जाता हूँ एंड इसको 0 कर दूंगा। अब स्पीड का प्रॉपर काम हो चुका है, बट इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे बल्कि इसको और बेटर बनाएंगे, तो उसके लिए एकदम स्टार्टिंग में आओ, यानी कि इस पे क्लिक करना एंड देन यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ और ओवरले पे क्लिक करूंगा, अगेन एड ओवरले पे क्लिक करूंगा और यहाँ से एक एनाइम इफेक्ट ग्रीन स्क्रीन को एड करता हूँ, तो इसको हम लेके आएंगे वहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने स्पीड अप्लाई किया था। ओके, और जो फालतू पार्ट है उसको भी मैं इधर से खींच लेता हूँ। ओके, तो इतना करने के बाद अब इधर से स्क्रॉल करना है एंड हमें जाना है रिमूव बैकग्राउंड पे एंड देन क्लिक करूंगा क्रोमा की पे एंड यहाँ से मैं ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके इंटेंसिटी और शेडो को दोनों को बढ़ा देता हूँ
और हाँ, इस क्लिप में से जो वैल्यूम है उसको जीरो कर लेना क्योंकि इसमें म्यूजिक है। एंड इतना करने के बाद यहाँ पे अब साउंड इफेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी ऐड कर लेता हूँ। अब इस क्लिप को देखो, यहाँ पे पूरा रेड नंबर हेडशॉट मारा हूँ, तो यहाँ पे एक मीम ऐड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैक करता हूँ, यानी कि इस पोजीशन पे, एंड देन ओवरले पे क्लिक करूंगा, अगेन एड ओवरले पे, और यहाँ से मैं एक मीम डाउनलोड किया हूँ। अब मीम कैसे डाउनलोड करना है पार्ट वन वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था, तो वहाँ पे देख लेना। एंड ऐड करने के बाद इसको छोटा करूंगा और इसको यहाँ पे कोने पे रख लेते हैं, इस जगह पे, तो अब कुछ ऐसा दिखेगा, देखना। ओके, तो अब तुम इस क्लिप को देखो, यहाँ पे मुझे एक एनिमी दिखा, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे सिंपली स्प्लिट कर देता हूँ, एंड देन इधर से स्क्रॉल करके यहाँ पे मुझे दिखेगा फ्रीज ऑप्शन, सो उस पर क्लिक कर दूंगा और सिंपली इस पार्ट को फ्रीज कर देना है। अब ये जो पार्ट है वो थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसको खींच के छोटा कर लेता हूँ, लाइक इसको एक सेकेंड लेके आएंगे। एंड देन स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दूंगा सिंपली इस पे टैप करके, एंड देन थोड़ा आगे करके इसको जूम कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, एनिमी वाले पार्ट पे जूम करना है, एंड अभी कुछ ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे मैं एक साउंड इफेक्ट भी ऐड करूंगा, अभी देख लो। अब यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया था, कलर ग्रेडिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे तुम्हारा वीडियो का क्वालिटी नेक्स्ट लेवल हो जाती है। अब कलर ग्रेडिंग करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, कोई भी वीडियो क्लिप पे क्लिक करना, एंड देन इधर से स्क्रॉल करके एडजस्ट वाले सेटिंग में जाना है, एंड देन सबसे पहले ब्राइटनेस को बढ़ा लो, थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, 7 पे कर देता हूँ, एंड देन कंट्रास्ट को भी बढ़ा लेंगे, इसको अराउंड 6 पे कर देता हूँ, 7 पे ही कर लेते हैं, और जो सेचुरेशन है इसको अराउंड 5 पे कर देता हूँ, और जो शार्पन है इसको पूरा बढ़ा लेना है, इससे क्वालिटी काफी बढ़िया हो जाता है। अब यहाँ पे आगे आके तुम ट्राई कर सकते हो, लाइक शेडो को और हाईलाइट को थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, तो मुझे लगता है कम करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ। एंड नाउ सिंपली यहाँ पे तुम्हें अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना है, तो ये जो कलर ग्रेडिंग है पूरी क्लिप में लग जाएगी। तो अब ये हमारा पूरी फाइनल एक वीडियो क्लिप रेडी हो चुकी है। ऑलराइट, तो सम टाइम हमें गेम में मैप को जूम करना पड़ता है, या कितना राउंड चल रहा है, कितना किल हो गया, उसको जूम करना पड़ता है। अब उस सीन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें स्प्लिट करना पड़ेगा, तो लाइक मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं मैप को जूम करूँ, तो यहाँ पे मैं स्प्लिट लगा देता हूँ, एंड देन मैं यहाँ तक ही जूम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे भी एक स्प्लिट लगा दूंगा। अब जो ए वाला पार्ट है इसको हमें डुप्लीकेट करना है, तो इस पे क्लिक करना और यहाँ से हमें डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब सेम क्लिप हमारे पास डबल हो गया है, तो एक क्लिप को नीचे भेजना है, तो इस पे रहना एंड इधर से स्क्रॉल करना है, एंड देन तुम्हें सिंपली क्लिक करना है ओवरले पे, तो यही वाला क्लिप नीचे आ जाएगी। अब सबसे पहले इस क्लिप में वैल्यूम को जीरो कर लेना क्योंकि डबल साउंड हो जाएगी, तो वैल्यूम में जाता हूँ एंड इसको जीरो कर देता हूँ। अब यहाँ से स्क्रॉल करना अगेन एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, एंड देन रिसाइज पे क्लिक कर देना, और फिर उस पार्ट को तुम्हें क्रॉप कर लेना है जो पार्ट तुम हाईलाइट करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैप को जूम करूँ, तो यहाँ पे लेके आता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे क्रॉप कर लिया है, अब इसको उसी पोजीशन पे रख देना है, तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, एंड देन इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले स्टार्टिंग में आता हूँ, एंड देन जैसे मुझे यहाँ पे जूम करना हो तो सिंपली यहाँ पे एक की फ्रेम दे दूंगा, एंड देन थोड़ा आगे की तरफ करके यहाँ पे मैं इसको खींच लेता हूँ आगे, एंड फिर इसको बड़ा भी कर दूंगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ये थोड़ा स्लो हो गया, तो इसमें मैं ग्राफ दे देता हूँ। अब अगेन इसको वापिस भेजना हो तो अगेन की फ्रेम ऐड करना है एक, और फिर आगे की तरफ आके इसको जस्ट छोटा कर लेना है पहले की तरह, एंड इसको वहीं पे प्लेस कर लेना, एंड फिर जो फालतू पार्ट है इसको हटा देता हूँ। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ गेम प्ले वीडियो को एडिट करना सीखा है, लेकिन अगर तुम कमेंट्री या फेस कैम वीडियो बनाते हो तो उसको कैसे एडिट करना है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फेस रिवील नहीं किया हूँ, तो रिफरेंस के लिए कोई अदर क्लिप मैं यूज करने वाला हूँ, तो सिंपली मैं ओवरले पे क्लिक करता हूँ, अगेन एड ओवरले पे क्लिक करूंगा, और यहाँ से मैं यूज करने वाला हूँ ए वाला वीडियो क्लिप को,
जब वीडियो को एड कर लो तो सिंपली इसको छोटा करके जहाँ पे भी प्लेस करना चाहो कर सकते हो। एंड अब इस फेस कैम वीडियो को तुम चाहो तो बैकग्राउंड के साथ भी यूज कर सकते हो या इसका बैकग्राउंड को रिमूव करके भी यूज कर सकते हो। अब बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सिंपली यहाँ से स्क्रॉल करना एंड तुम्हें जाना है रिमूव बैकग्राउंड पे एंड देन ऑटो रिमूवल पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे तुम्हारा वीडियो का बैकग्राउंड गायब हो जाएगी। अब तुम चाहो तो इस क्लिप को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, तो मैं वहीं पे रखना चाहता हूँ एंड मैं यूज करने वाला हूँ विथ बैकग्राउंड, तो यहाँ पे मैं बैक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं तुम्हें वीडियो क्लिप को दिखाना चाहूंगा, तो एक बार वीडियो क्लिप को देखो। तो हेलो गाइज, मैं आ चुका हूँ लोन वुल्फ में और देखते हैं कि यहाँ पे कितना हेडशॉट मार पाते हैं। तो मेरे पास है शॉट गन एंड यहाँ पे बंदा दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे दिखा, ओ काफी बढ़िया हेडशॉट लगा है भाई। अरे मार खा ले भाई, कितना बचेगा गाइज? मेरे साथ लग रहा है कि प्रैंक कर रहा है। अरे भाई भाई भाई, ओके तो यहाँ पे तुम सुन पा रहे हो कि अरे भाई 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 बोला हूँ, मीन्स एक वर्ड को तीन बार रिपीट किया हूँ। तो वहाँ पे हम एक जूम इन इफेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑल दो बेसिक जूम इन जूम आउट इफेक्ट मैं पार्ट वन वीडियो में ऑलरेडी बता दिया हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ तगड़ा करते हैं, तो यहाँ पे मैं इसी पोजिशन पे फेस कैम वीडियो को लेके आना चाहता हूँ क्योंकि वो पीछे ही रह गया, तो इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आते हैं एंड देन इस वीडियो को सिंपली सेव कर लेना है। तो मैं फटाफट से सेव कर लेता हूँ। जब वीडियो सेव कर लो तो इसको डन करना है। अब एक न्यू प्रोजेक्ट बना के जो अभी वीडियो सेव हुआ था उसको एड कर लेना है। तो यहाँ पे फेस कैम वीडियो गायब है क्योंकि वो फेस कैम वीडियो का क्लिप छोटा था, तो यहाँ पे हम आगे आते हैं क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ था क्लिप। ओके तो यहाँ पे फेस कैम वीडियो आ गया है, तो इसको मैं बाकी जो पार्ट है उसको हटा देता हूँ। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है कि जहाँ पे मैं भाई 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 तीन वर्ड बोला हूँ वहाँ पे हमें स्प्लिट लगाना है। तो एक बार मैं सुन लेता हूँ। अरे मार खा ले भाई, कितना बचेगा गाइस? मेरे साथ लग रहा है कि प्रैंक कर रहा है। अरे भाई भाई भाई, ओके तो इस पोजीशन पे मैं तीन वर्ड को यूज किया हूँ। तो पहले टाइमलाइन को स्ट्रेच कर लेता हूँ एंड देन एक बार वॉइस सुनूंगा और स्प्लिट लगाएंगे। ओके तो यहाँ पे मैंने तीन वर्ड के लिए तीन स्प्लिट कर दिया है। तो अब आना है फर्स्ट क्लिप पे एंड इस पे क्लिक करना है एंड देन हमें सिंपली स्केल अप करना है। तो इस तरीके से मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये जो नीचे लाइन बन रही है ब्लू कलर की, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सेट करना है। तो इसको मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये व्हाइट बन जाएगी एंड जहाँ पे व्हाइट लाइन बन रही है वहां पे छोड़ देना है। अब अगेन आगे आऊंगा आगे वाले क्लिप में एंड इसको भी जूम कर लेता हूँ एंड इसको भी सेट कर लेंगे। अगेन आगे क्लिप में आऊंगा और इसको भी मैं स्केल अप कर लेता हूँ। ऑल राइट, तो मैंने ए वाला फिनिश कर लिया है। अब मैं प्ले करूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा गाइस? मेरे साथ लग रहा है कि प्रैंक कर रहा है। अरे भाई भाई भाई, ओके तो अब यहाँ पे एक शेकिंग इफेक्ट यूज करेंगे। तो सिंपली इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ, अगेन वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से सिंपली मैं सर्च कर लेता हूँ, शेक लिख लेता हूँ एंड सर्च कर दूंगा एंड जो ए वाला इफेक्ट है इसको एड कर देता हूँ एंड इसको फर्स्ट क्लिप के स्टार्टिंग में लेके आते हैं एंड जो लास्ट वाला है इसको थोड़ा ड्रैग करके यहाँ तक लेके आऊंगा एंड फिर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके इसको ऑल वीडियो पे सेट कर दूंगा। अब यहाँ पे तुम और क्रिएटिविटी लगा सकते हो, लाइक जो स्प्लिटिंग किए हो ना उस क्लिप पे आओ एंड यहाँ से मैं एडजस्ट में जाता हूँ एंड फिर जो सेचुरेशन है इसको मैं -50 पे कर दूंगा, इसको भी कर देते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है गाइस। मेरे साथ लग रहा है कि प्रैंक कर रहा है। अरे भाई भाई भाई, ओके तो तुम लोग कई बार गेमर यूट्यूबर के वीडियो में देखा होगा कि जो फेस कैम वीडियो होती है वो सडनली फुल स्क्रीन पे हो जाता है एंड फिर से वो छोटा सा हो जाता है। तो उसको एडिट करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे मुझे फेस कैम वीडियो को फुल स्क्रीन में दिखाना हो तो सिंपली यहाँ पे मैं स्प्लिट कर दूंगा एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक ये फुल स्क्रीन में रहे, तो यहाँ पे भी स्प्लिट कर दूंगा। अब जो ए वाला पार्ट है इसको हम फुल स्क्रीन पे सेट कर देते हैं। अभी मैं प्ले करूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे यहाँ पे तुम चाहो तो मल्टीपल कर सकते हो ये चीज, तो यहाँ पे भी ये स्प्लिट लगा के इसको जूम कर लूंगा। अभी देखो अब तुम लोग काफी सारे वीडियो में इस तरीके से फनी फेस देखा होगा। अब इसको एडिट करने के लिए सिंपली यहाँ से मैं बैक करता हूँ। अब मैं जाऊंगा इफेक्ट पे एंड देन बॉडी इफेक्ट पे जाऊंगा एंड यहाँ पे एक सेक्शन ही बना हुआ है फनी फेसेस का, तो उस पे क्लिक करना। अब यहाँ पे काफी सारे फनी फेस देखने को मिल जाती है, तो जो भी लगाना हो तो सिंपली उस पे क्लिक कर देना। तो लाइक मैं ए वाला लगा लेता हूँ एंड देन इसको ऑब्जेक्ट पे जाके ओवरले पे क्लिक कर देना। अब तुम जितना देर तक इसको रखना चाहते हो इसको फैला लेना सिंपली
अब यही चीज सारे में लगाना हो तो सिंपली इसको डुप्लीकेट करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट पे जाके इसको ओवरले पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे भी शो हो जाएगा, जो कि काफी फनी है यार। ओके, सो ट्रोल फेस वाला एडिटिंग काफी वायरल हो रही है, तो इसको सिखाना तो बनता है। अब इसके लिए तुम्हें एक वीडियो क्लिप की जरूरत पड़ेगी, सो सिंपली एक क्लासिक मैच खेल लेना जिसमें बहुत सारे नूब हो। सिंपली तुम्हें गेम में आना है और तुम्हें कुछ इस तरीके से बैठना है और एनिमी तुम्हारे ऊपर फायर करेगा, बट उस टाइम तुम्हें फायर नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करके खड़े होना और उसके बाद हेडशॉट मार के साइड में जंप कर देना। जब तुम्हारा रिकॉर्डिंग फाइनल हो जाए तो उस रिकॉर्डिंग को कैपकट में एड कर लेना। अब यहाँ से तुम्हें सिंपली स्क्रॉल करके एस्पेक्ट रेशियो में जाना है और 9:16 को ले लेना है। अब इतना कर लो तो इसको फुल स्क्रीन पे सेट कर लेना। अगर तुम्हें टेक्स्ट वगैरह ऐड करना हो तो ऊपर नीचे जगह छोड़ देना। तो इस तरीके से मैं जूम कर लिया हूँ, अब इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब इतना करने के बाद यहाँ पे हमें स्प्लिट लगाएंगे, तो सबसे पहले थोड़ा सा आगे करता हूँ एंड देन जहाँ से एनिमी फायर करना स्टार्ट किया है वहाँ पे स्प्लिट लगा दूंगा। अब हमारा पहला स्प्लिट हो चुका है, अब आगे करता हूँ एंड जैसे हमारा कैरेक्टर खड़ा हुआ है वहाँ पे भी स्प्लिट लगा देता हूँ और फिर आगे करता हूँ और हेडशॉट लगने से पहले यहाँ पे भी स्प्लिट कर देता हूँ और जो ये बीच का पार्ट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट है। एंड हेडशॉट मारने के बाद कैरेक्टर जैसे जंप किया है वहाँ पे भी तुम्हें स्प्लिट लगाना है एंड फिर आगे की तरफ करके अब कैरेक्टर नीचे आने से पहले इसको स्प्लिट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। तो हमारा स्प्लिटिंग का काम फिनिश हो चुका है। अब यहाँ पे हम स्लो मोशन अप्लाई करेंगे, तो ये जो फर्स्ट वाला क्लिप है इधर आओ एंड फिर स्पीड पे क्लिक करना है एंड नॉर्मल पे जाना और जो स्पीड है इसको 0.1 पे कर देना है एंड फिर स्मूथ क्लिक करके इसको बेटर क्वालिटी कर देना एंड ओके कर देना। तो यहाँ पे ए वाला क्लिप स्लो मोशन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्लो मोशन अप्लाई हो चुका है। अब जो कैरेक्टर जंप किया है वहाँ पे भी सेम चीज करना है। अब यहाँ पे ट्रोल फेस वाला पीएनजी को लेके आना है, तो पहले तो फर्स्ट क्लिप पे आओ और उसके स्टार्टिंग में आना है एंड देन ओवरले पे क्लिक करके और एड कर लेता हूँ एंड इस ट्रोल फेस को पूरी टाइमलाइन पे फैला देना है एंड इतना करने के बाद स्ट्रेच कर लो टाइमलाइन को एंड देन इसको छोटा करके एनिमी के सर के ऊपर रख देना है। अब इतना कर लो तो अब आगे करना है एंड जैसे स्क्रीन मूव हो रही है तो इसको की फ्रेमिंग से हमें सेट करना है। तो यहाँ पे मैं एक की फ्रेम ऐड करूँगा एंड थोड़ा आगे करता हूँ तो यहाँ पे स्क्रीन मतलब इधर चला गया है, तो इसको सेट कर लेते हैं। तो जैसे कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पे हेडशॉट लगा है, तो यहीं पे हमें ट्रोल फेस वाला जो पीएनजी है उसको स्प्लिट कर लेना है एंड स्प्लिट करने के बाद इसको धकेल के इधर लेके आना जहाँ पे कैरेक्टर जंप किया हुआ है एंड फिर इसको जूम करके कैरेक्टर के ऊपर लेके आना। अब इसको भी की फ्रेमिंग दे के एनिमेट कर देना है सिंपली। अब इतना कर लो तो यहाँ से बैक करना एंड यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं दो इफेक्ट, तो अगेन बैक करता हूँ एंड जो फर्स्ट क्लिप है उसके स्टार्टिंग में आना है एंड देन इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ, अगेन वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ फ्लैश एंड देन ब्लैक फ्लैश वाला इफेक्ट को ले लेना है एंड फिर इसको भी पूरी वीडियो में फैला देना है। अब इतना कर लो तो नीचे से ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके ऑल वीडियो पे सेट कर देना एंड देन एडजस्ट में जाना है और इसको अराउंड 15 पे कर देता हूँ। अब जिस भी क्लिप में स्लो मोशन अप्लाई कर रहे हो उसका वैल्यूम को 0 कर देना, तो यहाँ से मैं वैल्यू में जाता हूँ एंड इसको 0 कर दूंगा। अब इतना करने के बाद एक और इफेक्ट ऐड करना है और वो ऐड करना है जहाँ पे कैरेक्टर जंप किया है वहाँ पे, तो इसके स्टार्टिंग पोजीशन पे आते हैं और फिर वीडियो इफेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ शेक एंड इसको ऐड कर लूंगा एंड देन इसको फुल वीडियो पे कर लेता हूँ और ऑब्जेक्ट में जाके ऑल वीडियो पे सेट कर दूंगा। तो ये भी हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपली एक म्यूजिक को ऐड करना है आज के लिए इतना ही। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर देना और अगर तुम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय।